क्वेश्चन 7 सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाय लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड की थ्योरम एंड एग्जांपल्स की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। सो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सैडल पॉइंट निकालना है बाय यूजिंग मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल। तो मैक्सिमिन मिनीमैक्स प्रिंसिपल लगाए तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल है। सो बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटा क्या है, -3, तो उससे एक ज्यादा मतलब 3+1=4, तो पूरे मैट्रिक्स में हम 4 को ऐड कर देंगे। सिंस दी पे ऑफ मैट्रिक्स हैज नेगेटिव वैल्यू सो एड लैम्डा इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, -3, तो पूरे मैट्रिक्स में हमने 4 को ऐड कर दिया तो हमारे सभी सेल्स के आगे पॉजिटिव आ गए। उसके बाद हमने ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी को लेट कर लिया। ऐसे हमने लिया A1, A2, A3, वेयर P1, P2, P3। ऐसी SB क्या है हमारी, Q1, Q2, Q3, वेयर P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1। नाउ प्लेयर ए, प्लेयर ए क्या यूज कर रहे हैं हमारा मिनिमम, दैट मीन्स हम क्या यूज कर रहे हैं, प्राइमर यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डुअल, क्योंकि प्लेयर अब क्या यूज कर रहा है, डुअल यूज कर रहा है, और प्लेयर बी क्या यूज कर रहा है, प्राइमर यूज कर रहा है। तो डुअल में क्या आता होता है, मैक्सिमम ऑफ यू, तो उसने हमने क्या किया, मैक्सिमम को चेंज कर दिया मिनिमम में, तो इससे हमारा जो लॉस है, दैट मीन्स जब हमने डुअल लिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने प्रॉब्लम किसमें चेंज कर दी, मिनिमम में। सो यहाँ पे आ जाएगा P1- प्लस P2- प्लस P3-, ऐसे कंस्ट्रेंट्स क्या आ जाएंगे डुअल में, ग्रेटर देन इक्वल टू में। सो ये कैसे लिखते हैं हम, 5P1- प्लस 7P2- प्लस 10P3- ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंस्ट्रेंट आ गई। सिमिलरली 3P1- प्लस 9P2- प्लस 6P3- ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे हमारी क्या आ जाएगी, 7P1- प्लस P2- प्लस 2P3- ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेयर PI- इज इक्वल टू PI अपॉन U, I लाइज बिटवीन 1, 2, 3। U क्या है हमारा, मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन, गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। ये हमारा U किसको डिनोट कर रहा है, मिनिमम प्रॉफिट को। नेक्स्ट हमने लिया है प्लेयर बी, प्लेयर बी अब हम जो दूसरा पर्सन है वो क्या यूज कर रहा है, प्राइमर यूज कर रहा है, बट उसने प्रॉब्लम किसमें रखी है, मैक्सिमम में, 1/V, तो प्राइमर यूज कर रहा है तो उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू में। तो ये कैसे बनाएंगे हम, 5Q1- प्लस 3Q2- प्लस 7Q3- लेस देन इक्वल टू 1, ऐसी 7Q1- प्लस 9Q2- प्लस Q3- लेस देन इक्वल टू 1, 10Q1- प्लस 6Q2- प्लस 2Q3- लेस देन इक्वल टू 1, देन फॉर ऑल Q1- Q2- Q3- ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Qj- हमने लिया है Qj/V, फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1, 2, 3। v हमारा क्या है, मैक्सिमम गेन लॉस, जितना हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हुआ है प्लेयर बी को, वो उसकी नोटेशन क्या है, वी टू प्लेयर बी, क्योंकि प्लेयर बी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको किसके साथ डिनोट नोट किया है, वी के साथ। सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ए प्लेयर बी, क्योंकि हमने LPP मेथड में किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्लेयर बी की, तो हम यूज करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। तो सबसे पहले जो प्लेयर बी की लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं उसको इक्वल टू में लेंगे बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करके। सो यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर दिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या आ गई, इक्वल टू में। तो यहाँ पे हमारी जो कंस्ट्रेंट्स, सॉरी स्लैक वेरिएबल का कोफिशियंट है वो क्या होता है, 0। तो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का टेबल क्या बन रहा है,
CVBXB, Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 यहाँ पे सभी के कोफिशियंट लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ गया हमारे स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल्स के कोफिशियंट क्या है 0 0 0, इक्वल टू में क्या आ रहा है 1 1 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया। देन यहाँ पे सीजे पे क्या आएगा जो प्रॉब्लम थी उनके कोफिशियंट 1 1 1 0 0 0। देन जेड जे हम कैसे निकालते हैं सीबी इंटू Q1 डैश, तो 0 × 5 प्लस 0 × 7 प्लस 0 × 10, तो सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और डेल्टा जे हम कैसे निकालते हैं जेड जे माइनस सी जे, सो 0 − 1 = −1, 0 − 1 = −1, ऐसे हमने सारा निकाल दिया। यहाँ पे हमारा मोस्ट नेगेटिव −1 है तो इसको कर दिया एंटर। यहाँ पे इनको डिवाइड करके देखा एक्स बी के साथ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको कर दिया लीव। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा Q1 डैश, और जो हमारा स्लैक वेरिएबल है वो क्या हो गया रिमूव हो गया। यहाँ पे हमने बनाना है 1, बाकी सेल्स पे 0 0 बनाना है, तो हमने ऑपरेशंस लगा दिए तो यहाँ पे बन गया 0 0 1। ऐसे हमारा पूरा रोज चेंज हो जाएंगी। देन फिर से हमने जेड जे डेल्टा जे देखा, मोर नेगेटिव हमारा ये आ रहा है तो इसको कर दिया एंटर। डिवाइड करके देखा तो ये हमारा क्या है सबसे छोटा है, तो इसको कर दिया लीव। सो यहाँ पे हमारी एंट्री किसकी आ जाएगी Q3 डैश की। तो फिर से ऑपरेशंस लगाए और यहाँ पे हमारा बन गया 1 0 0, जहां पे हमारा कॉमन आ जाए वहां पे हमने बनाना होता है 1 और बाकी पे 0 0, दैट मीन्स आइडेंटिटी बनानी होती है 1 0 0, जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी 1 0 0। सो ऑपरेशंस लगा दिए, उसके बाद हमने डेल्टा जे में फिर से चेक किया कि हमारा कोई नेगेटिव तो नहीं आ रही, तो नेगेटिव आ रही है तो इसको कर दिया फिर से एंटर। देन डिवाइड करके देखा यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है मोस्ट नेगेटिव आ रहा है, सो इस सॉरी सबसे मिनिमम आ रहा है, सो इसको कर दिया लीव। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा Q2 डैश, और यहाँ पे हमने बनाना है 1 0 ऑलरेडी है तो इन दोनों पे ऑपरेशन लगेगा, जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज रहेगी, 1 0 बनाना है यहाँ पे। देन फिर से ऑपरेशन लगा दिए, R2 पे ऑपरेशन लगाया 10/48 R2, R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 − 1/8 R2। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई। अब हमने डेल्टा जे को चेक किया तो हमारी फिर से एक नेगेटिव एंट्री आ रही है, तो इसको कर दिया एंटर। देन अब हमारे पास ये दोनों क्या है डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव को हम रिमूव कर देते हैं, ये हमारी टर्म क्या आ रही है पॉजिटिव। पहले हम कैसे चेक करते थे डिवाइड करके, बट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो इसीलिए हमने इस टर्म को क्या कर दिया लीव कर दिया। सो यहाँ पे हमारे पास आ गई Q1 डैश की जगह Q3, और यहां पे बनाना है 1 0 0, तो फिर से ऑपरेशंस लगा दिए तो हमारे पास आ गया 1 0 0। अब यहाँ पे चेक करो हमारा जो डेल्टा जे है वो क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे जो Q1 डैश की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0, Q2 डैश की वैल्यू 1/10, Q3 डैश की वैल्यू आ गई 1/10। ऐसी जो हमारे डेल्टा जे की वैल्यूज आती हैं स्लैक वेरिएबल्स की वो किसकी वैल्यू होती है P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश की, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दी। देन हमने वैल्यूज निकालनी है स्मॉल Q1 Q2 Q3 P1 P2 P3 की। हमें पता है कि 1/V किसके इक्वल होती है Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश, तो तीनों को प्लस कर दिया सॉल्व करके 1/5 आ गया, इसका रेसिप्रोकल बन गया 5, तो V की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सो Q J की वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है जो हमने थ्योरम में भी यूज किया था, सो Q J इक्वल टू Q J डैश मल्टीप्लाई V, Q J डैश मतलब Q1 Q2 Q3 डैश मल्टीप्लाई V, तो Q1 डैश की वैल्यू 0 आई थी तो वैल्यू इज 0, 2 की आई है 1/10 1/10, तो यहाँ पे पुट कर दिया मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 5, तो 1/2 1/2 हमारा आंसर। ऐसे हम P1 की वैल्यू निकालेंगे, हमें पता है कि जो
प्राइमल की प्रॉब्लम है वो किसकी इक्वल है, डुअल की प्रॉब्लम की। फिर इसका मतलब जो डुअल है वी वो किसकी इक्वल आ गया, प्राइमल की। दैट मीन्स यू इज इक्वल टू वी, तो वी की वैल्यू 5 है तो यू की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारी पी वन पी टू पी थ्री की वैल्यू क्या आ गई, पी वन डैश की वैल्यू आई थी 2/15, पी टू डैश की वैल्यू 1/15 और पी थ्री डैश की वैल्यू हमारे पास है 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 2/3, 1/3। हैंज द ऑप्टिमल स्ट्रेटर्जी फॉर प्लेयर ए एंड बी आर 2/3, 1/3, 0, 0, 1/2, 1/2। और न्यू वैल्यू ऑफ द गेम हमारी कैसे आएगी, v माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या थी जब हमने मैट्रिक्स को ऐड किया था, तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी हमारे पास तब, 4। तो यहां पे पुट कर देंगे, ये देखो हमने स्टार्टिंग में लैम्डा की वैल्यू क्या ली थी, 4, क्योंकि हमारे जो सेल्स थे वो क्या थे, नेगेटिव थे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने 4 ऐड किया था। तो हमारी न्यू वैल्यू ऑफ द गेम आ गई 1। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। थैंक यू।